जी बेबा बेबा बेगम साहबा जी, ये क्या बड़बड़ लगा रखी है तुमने? और ये जिम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहे हैं। ओह माय गॉड, अभी तक सो रहे हो? हाँ जी, मैं बुलाता हूँ जी। जन्नते जन्नते। जी बेगम साहबा, जूस लेकर आओ। लाई जी लाई। मैं लेकर आता हूँ जी। लेट हो गई और अभी तक सो रहा है। ओह माय गॉड, अभी तक सो रहे थे तो है? जी मॉम। अकेले रह रहे के ना ये बहुत गड़बड़ है। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए मैं मिल्क शेक मंगवाऊं? नो मॉम, कॉफी। कॉफी अर्ली इन द मॉर्निंग? कॉफी एसिडिटी कर देती है बेटा। तुम जो तन्हा रहे हो, अकेले रहे ना, तो बहुत गड़बड़ हो गई है। शैला से कहती हूँ वो तुम्हारा कोई अच्छी तरीके से बंदोबस्त करे। अच्छा तो इस बार शादी पर खास मिशन लेकर जा रही हैं आप? हाला मैं कहती हूँ तुम ही मेरे साथ चलो, ठीक है? तुम तो जानते हो तुम्हारी बहन की नंद की अकलौती नंद की शादी है। नहीं तुम देखो ना मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बहुत मजा आएगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हमारी फैमिली इकट्ठी हो रही है। फैमिली मस्ती मुस्कुराहटों से सजे कुछ चेहरे और मेकअप से लथपथ कजन्स का एक लश्कर। कोई मोटी, कोई काली, कोई गोरी, और सब अटैक करती है बेचारे कमाऊ लड़के पर। और स्पेशली फॉरन रिटर्न। नो मॉम, मैं नहीं जा रहा। टू मच। देखो मेरे पिछले मोहम्मद, तुम शादी में चलो बहुत मजा आएगा। तुम तो जानते हो शैला तुम्हें इन एक्सक्यूज से कभी माफ नहीं करेगी। अकलौती नंद की शादी है। मॉम, मैं उसका इकलौता भाई हूँ, उसे मना लूंगा बाद में। यू डोंट वरी। ओके ये तुम दोनों बहन भाई का मामला है, ठीक है? हाँ इस वक्त तो मैं मिसेस मोइन के घर जा रही हूँ, ठीक है? जी मॉम। मेरा ख्याल में मुझे देर हो जाएगी, ठीक? देर होगी तो तुम जल्दी सो जाना, इसलिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है और एयरपोर्ट पे तुम्हें छोड़ना है। ठीक है मॉम। ओके ओके। हाँ याद आया। जी मॉम। मेरे जाने के बाद खाने पीने का बहुत ख्याल करना। कुछ डिशेस मैंने कुक कर दी है। ओके मॉम। और फ्रीज कर दी है, बाकी की डिशेस फर्जू मैनेज कर लेगा। ओके मॉम। ओके याद आया मुझे, मेरे जाने के बाद बाहर से कुछ नहीं खाना तुमने, ठीक है? और मलिक भाई को कंपनी देनी है, ठीक है? ठीक है मॉम। ओके। और ओहो याद आया मुझे, कितनी बातें भूल जाती हैं बेटा। वैसे मॉम देखो आपकी इंस्ट्रक्शन लिस्ट कितनी लंबी है। अभी तो खत्म भी नहीं हुई। नो आउट गोइंग बिकॉज शहर के हालात बहुत खराब है, राइट? राइट मॉम। जिमी। मॉम आई एम नॉट अ किड, कर लूंगा सब कुछ, आप आपकी मीटिंग्स पे ध्यान दीजिए ना प्लीज। चाहिए करूंगा सब कुछ। शुक्र है। साहब आपका टेलीफोन आया। ओ जनते 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 भी सागर सिद्दीकी साहब हो जी। जूस का कहा था मैंने तुम्हें, जूस का ला रहा था, अभी ला रहा था। ला रहा था कि किस तरह ला रहा था? वो बना रहा था, मैं वो अंदर बना रहा था कि लंगरीच बनाने की है। मैं पंग नहीं की, मैं जूस का है। वो टेस्टी किस्म का बनाना है ना आपके लिए। टेस्टी की कालिया मर्चा पास है बीच हजार डब्बा पौके, मेन हजार डब्बा पौके कि कैंप पे लाया करो जूस।
लेके आता हूँ। लेके के लेके आता है? मैं जूस लेके आता हूँ। जूस लेके आता है। थुकी ना बीच घटिया लोगों का ओ बजलू चाय ले कराओ। अरे यार जल्दी करो। एक चप तुम क्यों लाई हो ये? और फजलू का है? वो जी बनाई उसी ने है। मैं तो सिर्फ लेके आई हूँ जी। आई डिड नॉट मीन इट। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मकसद था कि हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी करे। साहब जी इंसानों की ड्यूटियां कब बदल जावे पता ही ना चले। पढ़ी लिखी हो? कहाँ तक पढ़ा है? साहब जी पढ़ना लिखना तो आप जैसे लोग उनका काम होवे। महारानी मगर बातें तो पढ़े लिखो की तरह करती हो। मैंने सुनी है फजलू के साथ तुम्हारी गुफ्तगू। कहाँ से सीखी है तुमने ये बातें? जमाना बड़ा उस्ताद है साहब जी बड़ा कुछ सिखा दे बड़ा कुछ। माँ बाप है तुम्हारे? मर गए जी और साथ में चीटे जी मारे को भी मार गए। क्या मतलब तुम्हें कैसे मार गए? साहब जी जब इंसान अंदर से मर जावे ना जी जिंदा लाश हुए जी जिंदा लाश। बैठिए अंकल। कई गल है बढ़िया खिदमत और यान कले कले ही। अंकल आप भी इन मुलाजमों से बनाकर रखे आपकी भी खिदमतें करेंगी। बड़ी गल की थी है भाई। उतर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि नौकरों वगैरह से दूर रहो खास तौर पे ये जनते से नहीं समझे। ओके अंकल अपने फ्रेंड से मिलने जाता हूँ। सच्ची गल कहां ते रात किथे रहा। इधर आए तुम केस कर भी थिएटर खोले हैं? मैंने क्या किया साहब जी? अवकाश भूल जल्दी है तुसी लोग हैं? मैंने क्या किया साहब जी? एक गल याद रखी जनते मखमल मखमल होंदे ते टाट टाट होंदे तो सा गरीबा लोगां दे ही ते मसला है। हस के गल करो ते पैसे मांग दिंदे
झोपड़िया च रह के मेलां दे खाब ना तक जाती नौकरानी ते मालका नू अपनी औकात बिच रहने समझिए कि नहीं समझिए तनु देख खबरदार कहना इस किस्म की तू गल की थी कोई अस्तफरुल्ला नवाज जनते मैं पूछता हूं इस मलक के बच्चे को कहने बजरू कहा जा रहे तुमने सही तो करे क्या गलत कहा उसने मखमल मखमल ही होवे क्या गलत कहा उसने बकवास करता है ये बुड्ढा ये कहां का खानदानी है कैसा खानदानी है ये जाली हदबंदियां तो बनाई हुई है इसने जाली रिश्तेदारियां तो बनाई हुई है इसने लोगों की जमीनें हथियाकर तो अमीर बना है ये तुम देखना चाहते मैं आज भी चुराए में इसका भांडा फोड़ के रहूंगा फोड़ के रहूंगा मैं चढ़े पतलू चढ़ सारे को मारे कसम है छोड़ दे क्या कर लेंगे हम तो हम है ना गंदी नाली के गंदे कीड़े क्या गलत कहा उसने सही कहा उसने सच को मान ले पचलू सच को मान ले सच में बड़ी शांति हो गई बड़ा सुख हो गई चंदे तुम देख लेना मैं इसके सारे करतूत बेगम साहबा को बता के रहूंगा रे बगले मारी कौन सुनेगा रे न गवाह न सबूत सच कहती है तू गरीब आदमी के गवाह और सबूत भी हो तब भी माना जाता है तब फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा कहां जाएगा रे कहां जाएगा तू बोल मारे को बोल कहां जाएगा यहां एक नहीं सौ सौ मलिक मिलेंगे सौ सौ यहां तो सिर्फ एक मलिक हो मेरे एक मलिक एक खून चूसने वाले चाम एक काला पिल्ला एक खून चूसने वाले चाम एक काला पिल्ला रे
कहा जाएगा रे, कहा जाएगा रे, कहा जाएगा? बस कर दे जनते, बस कर दे। क्यों क्यों लंबे रूट वाली वैगन की तरह तेरी ब्रेकें फेल हो जाती हैं? लगता है तूने कोई डरावना ख्वाब देखा है। हमारे जैसे लोगन के नसीब माँ डरावने ख्वाब ही होंगे, हम जागे या सोए क्या फर्क पड़ता है रे? जनते जनते, ये देख मेरे बंदे हाथ, अरस्तु से अपना रिश्ता तोड़ दे। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, मेरा दिल बहुत कमजोर है, चौथी क्लास से भागा हुआ शख्स हूँ मैं। अल्लाह का वास्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया कर, ना किया कर इतनी बातें। अच्छा तेरी ये बातें सुन सुन के ना मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। अब मेरे लिए तू जा, एक अच्छा सा बड़ा सा जूस का ग्लास बना के ला दे। मारे को एक बात की समझ ना आवे रे। कौन सी? ये थारी हर बीमारी का इलाज जूस का है। इस डेंगू के मरीज की तरह लाइलाज तो नहीं हूँ ना मैं। शुक्र शुक्र मेरे बोला। डेंगू से तो मर जावे ना बंदा। हाँ इसकी बीमारी से मर जावे। छोड़ दफा कर, तू हंस ले, तू हंसती रहा कर हर वक्त। जनता तू हंसती रहा कर हर वक्त, तू हंसती बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है जनता। जनता जब इंसान हंसता है ना तो सारे उसके साथ हंसते हैं, और जब कोई रोता है ना तो कोई भी इसके साथ नहीं रोता। खजलो हाँ क्या हुआ तने? अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हुआ। मैं तेरे लिए एक अच्छा सा जूस का बला क्या तूने मेरे अजीब सी जुबान कर दी मेरी, ग्लास को ग्लास कहने लगा था मैं। लेके आऊं जूस का ग्लास एक अच्छा सा तेरे लिए है? जूस का ग्लास नहीं पिएगी सेहत ठीक हो जाएगी इससे तेरी? तो फिर क्या पिएगी? चाय ला दे रे। गरीब लोग कमी कभी, आखिर बात चाय पे रुकी ना। मारा काम कर, ये बर्तन भी ले जा रे। ले जाता हूँ और तेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ। पति तेज या कम? जैसे मर्जी बना ले रे। ओके।